मैंने एप्लीकेशन देनी है, ये मौत का कुआं जो यहाँ पर इंसान भी जा सकता है, माल भी जा सकता है, बच्चे भी जा सकते हैं। अगर इसकी एस्टिमेट में फंसिंग होगी तो फंसिंग का करवा देंगे। नहीं वो इस बोर्ड पर क्या लिखा है, ये फ्रॉड क्या हुआ है? बोर्ड पर जो लिखा है ये एस्टिमेट कास्ट होते हैं, इसके बाद नीचे और लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जितना इस पे फाइल निकाली जाएगी, फाइल पे जितना पैसा खर्चा होगा वो इधर लिखा जाएगा। जनाब एक बात है जो एक ये एस्टिमेट कास्ट है, इनसे मतलब कि हम पूछना चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे जो भी काम हुआ है तो गवर्नमेंट कोई मुलाजिम आया यहाँ पे देखने के लिए? हमने तो आज तक कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं देखा यहाँ पर आते हुए। हाँ सरपंच साहब वगैरह ये आए, बाकी कोई नहीं। हाँ सरपंच साहब कहें कि आया था कोई जेई वगैरह आया था यहाँ पर मेरे जाने के बाद? अच्छा क्या किया उन्होंने? अच्छा जो ये आपने ये बनाया है मौत का कुआं, इसका क्या होगा? इसका आप मुझे जवाब दें, इसका क्या होगा? इसका जवाब आप देंगे या ब्लॉक वाले देंगे? मैंने तो ये इसकी मैंने एप्लीकेशन देनी है, ये मौत का कुआं जो यहाँ पर इंसान भी जा सकता है, माल भी जा सकता है, बच्चे भी जा सकते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ, आपने बीडीसी चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ, बीडीसी चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले 3-4 सालों से आपकी डिमांड आ रही थी इधर कि पान यहाँ पर ये पान है, ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए। हमने एक दो बार पिछले साल 2 साल पहले भी यहाँ इस पर 1.5-2 लाख रुपया रखा था। 2 लाख की बात ही तो नहीं। इनकी डिमांड थी कि 1.5-2 लाख से ये बनता नहीं है, लेकिन अचानक इस साल पिछले साल भी हमने यहाँ से पैसा रखा था अपने प्लान नरेगा प्लान में, लेकिन अचानक डीसी साहब ने जल शक्ति अभियान का एक प्रोसेस चलाया तो मैंने इसी का नाम दिया कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा। मैंने इसी जगह का नाम दिया कि इसी जगह का नाम देकर ये सेंक्शन हुआ जल शक्ति अभियान में, यह पांच सेंक्शन हुआ। उसके बाद इसमें 5 लाख रुपए का इस्टीमेट कास्ट गवर्नमेंट ने रखी खुद, तो चलो ये बनाने के लिए जब यहाँ पर आए तो बोलते हैं बनाना ही बनाना, अच्छा काम है, ये पैसा आया है तो बनेगा, ये इस पैसे में ये बनेगा। तो ये आप ही की डिमांड थी कि, और 3-4-5 सालों से आप लोगों की यहाँ की महल्ले वालों की डिमांड थी कि यहाँ पर ये पॉइंट बनाया जाए। बनाया हम धन्यवाद। अच्छा ये बनाया जब तो हमने भी गवर्नमेंट ने ये बना के दिया है, बनाया है, हम ही लोगों ने, आप लोगों ने सभी ने इसमें मजदूरी की है, बना के दिया है। अब आप ही लोग बोल रहे हैं ये एक मौत का कुआं बना है। नहीं लेकिन अच्छा जो इसकी मतलब बात सुनो ना, जो इसकी फेंसिंग करनी है ना वो मेरे इसकी फेंसिंग करनी वो करनी है आपने। अब हम लाख रुपया बड़ा होता है। अब हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे अगर उसमें एस्टिमेट में इसकी फंसिंग होगी, अगर इसकी एस्टिमेट में फंसिंग होगी तो फंसिंग का करवा देंगे। नहीं वो इस बोर्ड पर क्या लिखा है, ये फ्रॉड क्या हुआ है? बोर्ड पर जो लिखा है ये एस्टिमेट कास्ट होते हैं, इसके बाद नीचे और लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जितना इस पे फाइल निकाली जाएगी, फाइल पे जितना पैसा खर्चा होगा वो इधर लिखा जाएगा। जनाब एक बात है जो ये एस्टिमेट कास्ट है, मैंने भी 46 साल सर्विस की है, कोई नहीं लड़ने झगड़ने की बात नहीं, आप फाइल निकाल सकते हैं कितना पैसा इसमें लड़ने की बात थोड़ी, हम तो बात कर रहे हैं, लड़ने की बात थोड़ी है, लड़ना क्या हुआ है हमने, क्यों हमने यहाँ रहना लड़ना की? हम गुतासा की जो कि वार्ड नंबर 6 जो लेचरान धार पड़ता है ऊपर सबसे टॉप पे पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे DDC मेंबर श्री युद्धवीर ठाकुर जी आए हैं, ब्लॉक के चेयरमैन, इनसे हम पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे काम हुआ है ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ है, जो इसका मतलब कि रह गया तो इसके आगे ये क्या करेंगे? आपका धन्यवाद ये मीडिया कर्मियों का। आज हम पंचायत गुतासा और इसका मोड़ा पड़ता है लचरान धार, जो कि मुझे लगता है ये कंसर के बाद ये शायद दूसरे नंबर पर है इस हाइट पर। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बारिश भी इस वक्त जारी है, तो आज हमें इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, खासकर शादीलाल जी ने और लोगों ने बड़े देर से हमें ये रिक्वेस्ट करते थे कि आप आएँ और कुछ हमारे कुछ हैं छोटे मोटे काम पंचायत लेवल पर या और भी कुछ काम देखने, तो इस सिलसिले में मैं और हमारे बुज़ुर्ग और मेरे सीनियर BDC चेयरमैन अमित चंद जी हम आए, हमारे साथ ये हमारे सेक्रेटरी साहब हम सारे जितने हैं, हमारे सरपंच जो हैं यहाँ गुतासा के धर्म सिंह जी और पूरी टीम शादीलाल जी और यहाँ के जितने भी साथी निवासी हैं। काम तो देखें, काम तो मुझे लगता है काम जो यहाँ हुआ है, जो आपका ये जल शक्ति में हुआ है, अब इस्टीमेट कास्ट इस पर क्या लिखी जाती है और फाइल में क्या होता है वो देखने वाली बात है।
बाकी जो काम हमने नीचे देखे उस पर भी अभी देखेंगे वहाँ जाकर। अब जो हमने फाइल देखी इसमें मटेरियल कितना निकला है या काम कैसा हुआ है वो तो ऑफिस में जाकर ही पता चलेगा कि उस पर खर्चा कितना हुआ और निकाला कितना गया है। बहरहाल ये हम आ जाएं तो हम इधर की जो लोग हैं यहाँ के उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर रहते हैं और इतनी हाइट पर रहते हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाला टाइम जो हमारा होगा 5 साल का हम आपके लिए काम करेंगे जो हमसे हो सकेगा मैं और चेयरमैन साहब। तो ये जो एक हमारा रोल है इस वक्त DDC काउंसिल का, हमारा रोल ये है कि डेवलपमेंट और उसकी निगरानी, ये हमारा दोनों फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के पास पहुँचे, अच्छा काम हो। वो पहले वाले जब घोटाले वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्ट्रीम लाइन पर आने जा रहा है काम। आप देखेंगे कुछ दिनों में कुछ महीनों में स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, कहीं कोई घोटाला करने की कोई किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी जब उन पर गाज गिरेगी। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा जो काम आता है अपने, क्योंकि अगर लाख का काम आता है उस पर आपको निगरानी करके देखना, अच्छा काम करना, वो लोगों का फ़र्ज़ बनता है। ऐसा ना हो कि आप तमाशा देख रहे हैं। काम होता है ये जल शक्ति में आपका 2019 में 20 में, और आप लोग आज जागे हुए हैं, इसलिए जागना उस वक्त है काम करते वक्त, ताकि काम कराओ अच्छे तरीके से। आज आप ये जो आपका ये बना हुआ है जल शक्ति में, ये ठीक है पानी भी है इसमें सब कुछ है, लेकिन इस इस्टीमेट कास्ट कितनी थी है कितनी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी काम आज के बाद होंगे वो स्ट्रीम लाइन होंगे, और जो भी काम करना होगा वो अपने निगरानी में करो, ताकि आने वाला जो टाइम होगा फिर आप बोलेंगे चलो जी काम चेक करने, ऐसा नहीं है। जो भी काम है उसको अच्छे तरीके से देखो और अपने आँखों के सामने कराओ। और अब डेवलपमेंट जो है बहुत पैसा आती, करोड़ों में पैसा दे रही गवर्नमेंट, तो इसलिए अच्छा काम कराओ। और ये लचरान धार मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत जगह है, इसका जो ये व्यू है वो ज़बरदस्त है, लेकिन आज बारिश और बादलों की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम यही आपसे सब लोगों से, खासकर ये मुझे लगता है ये हंगा का पार्ट भी, हंग इस तरीके से हंगा पंचायत है, यहाँ से गुतासा पंचायत है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस जो जगह है लचरान धार इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे। यहाँ पर मुझे लगता है अमरी सेब जो है इसकी एक पुराना कदीमी एक अमरी सेब होता था, तो मैं हार्टिकल्चर वालों से भी बोलना चाहूँगा कि यहाँ आए और उनकी हेल्प करें अमरी सेब के लिए, खासकर अमरी सेब हमारा जो ख़त्म हो चुका है उसकी एक बार फिर दोबारा से अमरी सेब यहाँ लगाया जाए, और वो लचरान धार की जो अपनी पहचान थी पुरानी वो कायम हो सके।